रहा हूँ, फाउंडर्स जिनका प्रेजेंस नहीं है और एंगेज नहीं है तो उनको चांस नहीं है, ऐसा उन्होंने कल के वेबिनार में बोला। उसका मतलब क्या है कि वो आई थिंक वो एआई से मॉनिटर कर रहे हैं कौन आ रहा है, कौन एंगेज है, कौन नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि वीडियो पे आना एंगेजमेंट नहीं होता, आपका फोकस उसमें लगता है। और जो वेबिनार में कल आए थे अराउंड 16-17,000, वो एक्चुअल लोग है, लोग एंगेज लोग है। तो प्लीज प्लीज मैं अभी सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप छोटे हो बड़े हो मेरे को मैटर नहीं करता, आप फाउंडर है तो आप प्लीज 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 कॉरपोरेट वेबिनार अटेंड कीजिए। आपको मेरे को मालूम है रात को होता है, ये होता है, लेकिन वीक में एक ही बार होता है जनरली, और कभी कभी तो 2 वीक में एक बार होता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये आपका बिजनेस है, आपके सीईओ स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि एंगेज रहिए, उसके बाद भी डेफिनेटली इंडियंस बहुत अटेंड करते हैं, लेकिन ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि प्लीज जो नहीं अटेंड कर रहे, प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपका बिजनेस है, फाइंड आउट ए वे टू अटेंड, इतना ही मैं बोलूंगा। यस नीरज जी, इसमें थोड़ा मैं क्लेरिफिकेशन और भी डालूंगा। ये आपने बोला, रैश ने ये बात बोली, विच इज ट्रूली बिल्कुल 100% है। इसमें एक बात और भी है कि कई बार हमारे फाउंडर सोचने लग जाते हैं कि एंगेजमेंट का मतलब कि शायद वेबिनार में ही आना है। नहीं, हम ऐश को क्लियरली मालूम है, ओके, कि बहुत सारे हमारे फाउंडर हैं, बहुत सारे फाउंडर हैं वो मतलब कि वो लॉग इन ही नहीं करते। वो ठीक है, मे भी यहाँ पे हमारे वेबिनार में तो आ जाए, बट कभी उन्होंने अपनी वेबसाइट खोल के ही नहीं देखी उन्होंने, ओके। तो वेबसाइट रोज की रोज या एक दो दिन में या हफ्ते में 2-4 बार खोलनी भी एंगेजमेंट है, ओके। क्यों क्यों है? क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्ड होता है। आप क्योंकि इंटरनेट है और ये खास करके ये तो इतनी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी बन रही है, अगर आप लॉग इन भी कर रहे हो और वहां पे इवन के लॉग इन करके आप वहां पे कौन सी टैब को हिट कर रहे हो, क्या चीज अपडेट पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो एवरीथिंग रिकॉर्डेड होता रहता है इंटरनेट के ऊपर, ओके। ये जितने भी टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, आई थिंक पल्लवी जेर, तो सबको मालूम है कि एवरी इंप्रेशन जो इंटरनेट पे कुछ भी हमने क्लिक कर दिया तो वो रिकॉर्ड होता रहता है। तो मिस्टर ऐश के पास सारा डाटा है कि अच्छा ये पर्टिकुलर आईडी ने कौन सी तारीख को लॉग इन किया, कितने बजे किया, कैसे किया, कितनी देर ये लॉग इन में रहा, या एवरीथिंग। तो डाटा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मानव लॉग इन ही नहीं करते। सो लॉग इन करना भी अपने आप में एक एंगेजमेंट है कि यस चलो आप वेबिनार नहीं अटेंड कर सकते, ओके गुड, बट आप किसी और तरीके से तो एंगेज है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे कम से कम आप अपनी अपना बिजनेस तो देख रहे हैं ना लॉग इन करके भी, ओके ठीक है यहाँ क्या अपडेट आई है, यहाँ सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, वट एवर जो भी है। तो वो उसका वो भी उसी डेफिनेशन में आ जाता है कि आप कंपनी के साथ जुड़े हो, या आपने चलो वेबिनार में तो नहीं आए बट आपने मे बी अपडेट पढ़ ली है वहां पे बैकग्राउंड में आके, या वहां पे क्या हो रहा है कैसे, तो वो भी उसमें गिना जाएगा, ओके। सो इसमें पैनिक होने की बात नहीं कि सर हम से कैसे मतलब हमें तो पता नहीं, इंग्लिश समझ नहीं आती, वो नहीं आती, वो बात ठीक है, वो उसको ही मालूम है, बट एंगेज होने के अलग अलग मीनिंग है बेसिकली, ओके। सो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ओके, बैक टू यू नीरज। थैंक यू। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि हमने जब भी स्टार्ट किया था, एक्चुअली ये जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने जब भी उन्होंने बोला जब भी स्टार्ट किया था तभी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से चालू किया था, और चीजें आती रही, आइडियाज आती रही, हार्डवेयर प्रोडक्ट्स आए, बाद में डेटा सेंटर। तो अभी सिचुएशन ये है, आई थिंक गुस्मितर ने एक वर्ड यूज किया था, हम एक्चुअली ये कंपनी एक बीस्ट हो गई है, बीस्ट यानी इतनी ह्यूज हो गई है कि आप और हमें इतना पता नहीं चलता, क्योंकि वो सब बातें हैं ना वो नहीं बताते हमारे फाउंडर्स को, जितना है उतना ही बताते हैं, लेकिन बैक बैक में यानी बैकग्राउंड में बहुत काम चालू है। तो उन्होंने ये भी बोला कि प्रोडक्ट्स आपको जो अभी दिख नहीं रहे हैं वहां पे या वेबसाइट पे दिख नहीं रहे हैं,
वो भी इंट्रोड्यूस होंगे। इनफैक्ट उन्होंने बोला कि एक ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है जो सबकी लाइफ चेंज करेगा। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला कि डिजिटल इकोसिस्टम है, टोटली डन डील। नेक्स्ट जो और एक है कि वो उनका इंटेंशन है कि एज सर का इंटेंशन है कि हम जो जो भी फाउंडर्स है सब यानी सुपरस्टार्स हो जाए, सुपर हीरोज हो जाए, यानी हम फेमस यानी वर्ल्ड आपका नाम जानेगी। अब मे बी अभी आपको लिमिटेड लोग पहचानते हैं, लेकिन आगे जाके आपको सब पहचानेंगे। और क्यों पहचानेंगे? क्योंकि हम हमारी कंपनी बहुत 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 चीजों पे इंपैक्ट करने वाली है। कौन से चीजों पे इंपैक्ट करने वाली है? उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए थे, फॉर एग्जांपल मिनिमाइज क्राइम, यानी क्राइम मिनिमाइज करने में इंपैक्ट करेगी, पॉवर्टी कॉन्कर करने में हेल्प करेगी, एजुकेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन में मदद करेगी, हेल्प करेगी, बाद में फाइनेंशियल बर्डन आपका जो अभी ये लग रहा है ओके पैसा पैसा बहुत लोगों को लगता है वो एक पास्ट इशू रहेगा। तो ये सब हम होने वाला है सर, तो बने रहिए। नेक्स्ट तो फाउंडर्स उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, आई थिंक ये गुस्मिंदर ने ऑलरेडी कवर किया, लेकिन वही है अपडेट्स कि फाउंडर विल बी ऑल सेट टू डू बिजनेस बिफोर द इवेंट। इवेंट यानी जो 20 नवंबर का है उसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता। तो क्लियर मैसेज है कि ये 20 नवंबर तक बाकी इसके चीजें होने वाली है। अभी वो कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है, वो दिमाग में मत रखिए, वो डेफिनेटली होगी और जैसे जैसे होगी वो आपको अपडेट्स आपके सामने अपडेट्स आते रहेंगे। एंड नीरज एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे हैं, अभी ये वेबिनार चल रहा है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं अभी भी, मैं वही पढ़ रहा था अभी। तो बेसिकली देखिए मैसेज क्या है, बेसिकली रफली मैं कि उसमें बताता हूँ कि ये वर्ल्ड कप में हमारी हिस्सेदारी है, ये हमें क्लियरली बताइए। ओके ऐसे मतलब एक ये काफी मैसेज में ये उनको जानना चाहते हैं। तो मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ, हमने क्या बोला है आप, या तो आप सुनने को तैयार नहीं हो, बहुत सारी चीजें दिमाग में से निकाल लेते हो कि एक आपको डेट बताई जा रही है। ओके पहली बात क्यों बताई जा रही है, दूसरी बात जब हम ये कह रहे हैं मिस्टर एस ये कह रहे हैं कि हमारा एक स्टाइल है चीज को अनाउंस करने का, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ये, वो हम बताएंगे एक आपको कैसे करना है। मोहम्मद कमाल ने बताया, वेबिनार में सुनिए जाके, अपडेट पढ़िए कि हम उसको एज ए कॉर्पोरेट स्टाइल में कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और कब करेंगे तो आपको सामने आ जाएगी। तो बार बार प्लीज इसको मत पूछिए कि वहां पे हमारी भागीदारी है या नहीं है, ये है वो है, डजंट मैटर। हमें उस चीज से मतलब नहीं है कि हमारा शायद वर्ल्ड कप ही शायद हमारा मिशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके हम ऑन पैसिव हैं, हम ऑन पैसिव अपने दम पे कर रहे हैं पिछले साल पे, ये तो चलो बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड कप बीच में आ रहा है, बट क्या हम वहां पे हैं नहीं है, हमारी वहां पे भागीदारी है नहीं है, वी डोंट नो आज की डेट तक। ओके बट वहां कैसे, अगर है भी तो उसको कैसे अनाउंस करना है, ओके दैट वो मैटर कंपनी पे मिस्टर एश के ऊपर छोड़ दीजिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि डिजिटल इकोसिस्टम है, टोटली डन डील। नेक्स्ट जो और एक है कि वो उनका इंटेंशन है कि एज सर का इंटेंशन है कि हम जो भी फाउंडर्स है सब यानी सुपरस्टार्स हो जाए, सुपर हीरोज हो जाए, यानी हम फेमस यानी वर्ल्ड आपका नाम जानेगी। अब मे बी अभी आपको लिमिटेड लोग पहचानते हैं, लेकिन आगे जाके आपको सब पहचानेंगे। और क्यों पहचानेंगे? क्योंकि हम हमारी कंपनी बहुत 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 चीजों पे इंपैक्ट करने वाली है। कौन से चीजों पे इंपैक्ट करने वाली है? उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए थे, फॉर एग्जांपल मिनिमाइज क्राइम, यानी क्राइम मिनिमाइज करने में इंपैक्ट करेगी, पॉवर्टी कॉन्कर करने में हेल्प करेगी, एजुकेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन में मदद करेगी, हेल्प करेगी,
बाद में फाइनेंशियल बर्डन आपका जो अभी ये लग रहा है, ओके पैसा पैसा बहुत लोगों को लगता है, वो एक पास इशू रहेगा, तो ये सब हम होने वाला है सर। तो बने रहिए। नेक्स्ट तो फाउंडर्स उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, आई थिंक ये पुष्मिंदर ने ऑलरेडी कवर किया, लेकिन वही है अपडेट्स कि फाउंडर विल बी ऑल सेट टू डू बिजनेस बिफोर द इवेंट। इवेंट है ना जो 20 नवंबर का है, उसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, तो क्लियर मैसेज है कि ये 20 नवंबर तक बाकी इसके चीजें होने वाली है। अभी वो कैसे होने वाली है, क्या होने वाली है, वो दिमाग में मत रखिए, वो डेफिनेटली होगी, और जैसे जैसे होगी वो आपको अपडेट्स आपके सामने अपडेट्स आते रहेंगे। तो एंड नीरज, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे हैं। अभी ये वेबिनार चल रहा है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं अभी भी, मैं वही पढ़ रहा था अभी। तो